शिक्षक को हटाने को लेकर अपने ही सरकार के विरोध में अनशन करेंगे नवागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी। खुद के कांग्रेस सरकार के सिस्टम से निराश होकर अनशन पर बैठेंगे कांग्रेसी नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी। जी हाँ, आपको बताते चले कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत नवागढ़, जो कि लिंगेश्वर की नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त है, जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण नगर पंचायत भी है, जहां पर कांग्रेस भुवनेश्वर केसरवानी नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष भी हैं, जो अपने ही कांग्रेस की सरकार के भ्रष्ट सिस्टम से निराश होकर अपने दो सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठने का मन बना चुके हैं। इस संबंध में नगर पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी ने मीडिया को बताया कि उनके द्वारा मुख्य रूप से दो मांगे हैं। पहला मांग, ममता शुक्ला प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ और पति संतोष शुक्ला शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ का यहां से स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि छात्रों शिक्षकों और स्टाफ के द्वारा कई बार शिकायत किया जा चुका है, इसके बाद भी उन पर कोई उचित कार्यवाही नहीं किया गया। ज्ञात हो कि विगत कुछ वर्ष पहले छात्रों द्वारा उनको यहां से हटाने की शिकायत और धरना प्रदर्शन भी किया गया था। वे एक ही विद्यालय में लंबे समय से पदस्थ हैं, जिस कारण वे छात्रों स्टाफ शिक्षकों को दुर्व्यवहार करते रहते हैं। दोनों पति पत्नी शिक्षकों पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उनकी दूसरी मांग यह है कि जो ओपन स्कूल परीक्षा का सेंटर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ है, उसे हटाया गया है, उसे वापस ओपन स्कूल का परीक्षा सेंटर बनाया जाए। तो बताएंगे किन किन मुद्दों के लेकर आप अनशन में बैठने जा रहे हैं? मैं भुवनेश्वर केसरवानी नगर पंचायत नवागढ़ का नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ। मेरी मुख्य मांग दो है, एक ममता शुक्ला और संतोष शुक्ला दोनों पति पत्नी हैं और पिछले बहुत लंबे समय से यहाँ पदस्थ हैं और आए दिन इनकी शिकायत होती रहती है, कभी शाला में ना आना, शाला नहीं उपस्थित नहीं होते हैं, उसमें सील लगा देते हैं प्राचार्य तो उनको मारने पीटने की धमकी देते हैं और शाला का व्यवस्था भी में ये लोग व्यवधान उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात पूर्व में संतोष शुक्ला ओपन स्कूल का ये प्रभारी था 2008 से, अभी वर्तमान में तत्कालीन जो प्राचार्य थे प्रदेशी लाल यादव, उनके द्वारा ओपन के प्रभार यहाँ कुमकार भीम सिंह कुमकार सर को दे दिए हैं। उसी दिन से संतोष शुक्ला सामने में बोले थे जब यहाँ शाला विकास समिति की मीटिंग थी उसमें कि मैं अगर प्रभारी नहीं रहूँगा ओपन क्लास का तो यहाँ सेंटर नहीं रहेगा। उसी के कथन अनुसार आज दिनांक को यहाँ नवागढ़ के जो ओपन का जो परीक्षा केंद्र है उसे जांजगीर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नंबर 1 में दे दिया गया है। तो मेरी मांग यही है कि संतोष शुक्ला और उनकी जो विशेष है ममता शुक्ला, इनके ऊपर पूर्व में कई शिकायत हुई, उसमें जांच किया जाए और जांच में दोषी पाया जाता है तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और दूसरी मांग है कि यहाँ ओपन का यहाँ सेंटर दिया जाए। ये दोनों मांग को लेकर मैं 22/3/2023 को तहसील कार्यालय के सामने अगला अनशन पे मैं बैठूंगा। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, CGBN TV।